गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 7th स्टैंडर्ड। आज हिंदी पढ़ेंगे चैप्टर फोर स्टैंडर्ड 7। कथनी और करनी, चैप्टर फोर में हमने आगे किया था कथनी और करनी। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में कथनी और करनी के बारे में पढ़ा था कि फूल तोड़ना मना है, नो स्मोकिंग, और शब्दार्थ भी लिखाए थे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करके और बता रही थी कि क्या करना है। तो आज हम इसमें विराम चिन्ह, पंचुएशन, फुल स्टॉप, जो कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, ब्रैकेट, ये सब आते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। तो आप ध्यान से देखिएगा और वो सुनिएगा। चैप्टर फोर कथनी और करनी आगे आपने मालूम है, तो मैं विराम चिन्ह, पंचुएशन, फुल स्टॉप के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जिससे बोलने चलने की भाषा में आता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भाषा को विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो आपका आ जाएगा ऐसे, किसी भी भाषा को पढ़ते समय किसी भी भाषा को बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य लिए वाक्य के बीच या अंत में इतना लिख लीजिए, अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। संकेत देने वाले
करते हैं। ओके, क्या है विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पंचुएशन। तो हम देखेंगे किसी भी भाषा, ऐसा नहीं कि हम हिंदी बोल रहे थे, किसी भी भाषा, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, किसी भी भाषा को बोलते समय, बोलते या पढ़ते समय, किसी भी भाषा को बोलते या पढ़ते समय अर्थ को क्या करते हैं? अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़े या पड़ता है, इस रुकावट के संकेत को देने वाला लिपि विराम चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, जैसे कि आपका विराम चिन्ह कैसे, क्या क्या आएगा उसमें? पूर्ण विराम, कॉमा, ये मैं वो भी लिख के आपको बता रही हूँ। ये तो समझ में आ गया कि किसी भी भाषा को बोलते या पढ़ते समय को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़े, इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि को विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। विराम चिन्ह में कौन कौन से चिन्ह आते हैं वो पहले मैं लिखूंगी, आप ध्यान देंगे। कथनी और करनी में आपका ये भी है विराम चिन्ह के बारे में, तो मैं आपको उसके बारे में लिखा भी देती हूँ। चलिए देखेंगे, फर्स्ट क्या है विराम चिन्ह, पहले कैसे विराम चिन्ह। पंचुएशन, ओके। फिर हम फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट में क्या आता है? पूर्ण विराम। फर्स्ट में आता है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। कैसे? पूर्ण विराम, ओके। क्या आएगा? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ओके, तो हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे फुल स्टॉप में? तो इस प्रयोग का वाक्य पूरा होने पे क्या करते हैं हम? फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं पूर्ण विराम का? इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर क्या होता है? होने पर होता है, होने पर होता है। जैसे कि आएगा आपका, अब हम क्या लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोहन, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे सोहन ने पत्र लिखा, जैसे सोहन ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। तो अगर हम, आप बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, लिखा ऐसे लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या नहीं लगाया? फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ये क्या सेंटेंस होगा? रॉन्ग होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सोहन ने पत्र लिखा,
स्कूल नहीं गई, नहीं गई। नेक्स्ट देखेंगे आप, सेकंड में आएगा आपका सेकंड अल्प विराम। टू में देखेंगे अल्प विराम यानी कि कॉमा, अल्प विराम, अल्प विराम कॉमा। आगे बढ़े। ओके,
रुकने का संकेत दे देता है, सॉरी लिख देते हैं, लिख भी देते हैं, रुकने 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 का संकेत देता है। रुकने वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होती है, तो इसको इरेज कर दूं मैं।
जाता है। ओके, जैसे कि क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, या तुम कहाँ जा रहे हैं, या व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इसलिए कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, किसी से कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं कि आप क्या कर, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप व्हाट डू यू वांट टू से, है ना। तो हम आपको यहाँ एक फॉर एग्जांपल में देंगे कि क्या तुम विद्यालय गए थे, क्या तुम गए थे। ओके, यहाँ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इनका क्या है, यहाँ ऐसे देखिए क्वेश्चन मार्क ऐसे जी, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे मैं फिर क्या तुम करते हो, यहाँ भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, करते हो। ओके, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे वाले
भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, होने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग में साइड में प्रयोग होता है, साइड में हो जाती हूँ, ओके चलिए होता है। जैसे अब हम देखेंगे क्या, मैं पहले भी आपको बताई थी ना वाह ऐसे वगैरह सब जाते हैं उसमें कौन सा संघ चिन्ह करते हैं विषमव्यापी चिन्ह, जैसे कि अरे, जैसे हमने कहा अरे बाप रे ऐसे आता है ना, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट देखिए बाप रे ऐसे बाप रे, फिर यहाँ हम करेंगे, फिर वाह आपने कमाल कर दिया, वाह वाह शाबाश बेटा, बोलते हैं ना जब आप अच्छा काम करते हो तो कोई आपको बोलता है शाबाशी देता है ना, तो वहाँ हम विषमयादी चिन्ह लगाएंगे ऐसे, जैसे अरे बाप रे वाह शाबाश, तो वहाँ विषमयादी चिन्ह लगाते हैं, जैसे आ आ। अब हम वाक्य बनाएंगे, वाह आपने तो कमाल कर दिया, जैसे इससे वाक्य बना सकते हैं ना, जैसे आपने वाह आपने कमाल कर दिया, तो यहाँ वाह आपने कमाल कर दिया, तो कमाल कर दिया इतना आया। अब फिफ्थ में देखेंगे कि क्या है, फिफ्थ नंबर आपको आएगा योजक चिन्ह हाइफ़न योजक, मैं इरेज कर दूं इसको, योजक चिन्ह में देखेंगे योजक चिन्ह फिफ्थ नंबर में आएगा आपको ऐसे योजक, ओके इसमें आएगा आपको योजक चिन्ह लिखेगा, योजक चिन्ह का प्रयोग संसाधन समाज समासिक का प्रयोग प्रयोग समासिक समासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, क्या होता है समासिक शब्दों को जोड़ने के, जैसे दुख सुख आमने सामने, समासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है ना, जोड़ने के लिए होता है, जैसे आप यहाँ देखिए जैसे दुख सुख, जैसे ऐसे आ जाएंगे दुख, तो यहाँ माइनस आ गया सुख है ना, तो ऐसे शब्दों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सुख दुख आ गया, फिर आपका पाप पुण्य माता पिता, पाप पुण्य माता पिता लेन देन, माता पिता लेन देन इत्यादि, लेन सॉरी इधर लिख देता हूँ, लेन लेन देन, ओके आपको समझ में आया, सुख दुख पाप पुण्य माता पिता लेन देन ऐसे में किसका हम प्रयोग करते हैं,
जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सच्ची पूजा होती है, माता पिता की सच्ची पूजा होती है। तो बच्चों आज मैं विषय आपको विराम चिन्ह के बारे में फाइव किया है, फाइव तक मैं पढ़ाई हूँ, आगे लेक्चर में फिर मैं आगे कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, आप अपने नोट में भी लिख लीजिए और आपको विशेष इस पर ध्यान देना है कि विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे। ओके तो बच्चों हरिओम, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।